Hello everyone. Very good evening to all of you. Welcome to the platform of an academy. So this is Vasudha and today I have got a new session for all of you. So today we are going to talk about apparel sciences. Okay. Good evening guys. Good evening to all of you. So, आज का जो सेशन है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन टू अपैरल साइंस. तो अपैरल साइंस क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपको अपैरल के अंदर पढ़ना फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके. सो बिफोर दैट, हेलो अमिता, हाई, गुड इवनिंग. जल्दी से आप ज्वाइन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट एंड यू कैन गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस. ओके. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, बट बिफोर दैट दिस इज समथिंग अबाउट योर प्लस सेशंस. तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, आप मुझे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आई टेक क्लासेस फॉर बोथ कैटेगरीज लाइक स्पेशल क्लासेस एज वेल एज प्लस सेशंस. और स्पेशल क्लासेस क्या हैं, दीज आर द क्लासेस जो आपकी कंप्लीटली फ्री होती हैं, किसी भी तरह का पेमेंट आपको नहीं लेना होता है. एंड अगर आप कम्प्लीटली एक न्यू यूज़र हो ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म और अगर आप मेरी अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक सिंपली कोड अप्लाई करना है. वहाँ पे आप मेरा कोड दे सकते हो, दैट इज़ BASUAA टू अनलॉक माई स्पेशल क्लास. ठीक है. उसके अलावा आप मुझे प्लस पे भी फॉलो कर सकते हो. प्लस पे यू कैन हैव दिस पेड कोर्सेज जहाँ पे आपको डिफरेंट मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है. दिस इज़ योर सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया. तो लाइक फॉर 1 month दिस इज़ द थिंग, 3 months के लिए आपको इतना, 6 months के लिए इतना एंड फॉर 12 months इज़ दिस. ठीक है. सो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप ले सकते हो. एंड दे आर ऑल्सो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ योर BASUAA टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज. तो आप अपने परचेज पे 10% डिस्काउंट लेने के लिए मेरा रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हो. एंड अलॉन्ग विद दैट वट यू कैन डू, आपके जो क्रेडिट्स हैं जब आप लर्न करते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आप क्रेडिट्स अर्न करते हो, उन क्रेडिट्स को भी यूटिलाइज करके आप एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट ले सकते हो. ठीक है. सो दैट इज़ अ थिंग अबाउट योर प्लस प्लेटफॉर्म. एंड ऑल्सो देर इज़ एन इन्फॉर्मेशन कि देर वुड दे कैन बी योर दिस प्राइस हाइक हो सकता है इन द फ्यूचर. सो फ्रॉम दैट उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. ठीक है. सो देर कैन बी प्राइस हाइक इन द फ्यूचर. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यू कैन सिंपली गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द प्लेटफॉर्म. ठीक है. ओके. नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द अपैरल साइंसेस. तो दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. ओके. हेलो रानी, हाय. हाय आराधना. हेलो हेलो गाइज. चलो लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ. तो सबसे पहली चीज़ अपैरल साइंसेस क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, व्हाट आर द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं आपके अपैरल में, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट. ठीक है. तो इन दिस इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अपैरल जो है बेसिकली किससे डील करता है, आपके एलिमेंट्स ऑफ गारमेंट मेकिंग. ठीक है. लाइक टेक्सटाइल के अंदर हम बेसिकली किसके ऊपर काम करते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस टेक्सटाइल एंड देन यू हैव अ अपैरल पार्ट. ठीक है. दोनों बोथ आर वट इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड हैं. हाउ इज़ इट इंटर रिलेटेड, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर हम फैब्रिक के ऊपर प्रोडक्शन का काम करते हैं एंड उस फैब्रिक को कैसे यूटिलाइज किया जाए वो हम कहाँ पे सीखते हैं, इन द अपैरल डिजाइनिंग या फिर अपैरल साइंसेस. ठीक है. तो जब आप टेक्सटाइल पढ़ोगे तो वहाँ पे लाइक वी हैव लाइक टॉक्ड अबाउट टेक्सटाइल इन द पास्ट सेशंस ऑल्सो, जहाँ पे मैंने आपको बताया वहाँ पे हम वी टॉक अबाउट दिस. हाय प्रतीक्षा. हाँ, या डेफिनेटली मैं होम साइंस पढ़ाऊँगी आपको. ठीक है. सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका फाइबर है, फाइबर से आप यार्न बनाते हो. ठीक है. यार्न से आप फैब्रिक बनाते हो. ठीक है. सो मीन्स वहाँ पे आपको फैब्रिक स्टेज तक मिलता है, फिर उसकी फिनिशिंग, एवरीथिंग यू डू इन द टेक्सटाइल वाला पार्ट. बट अब उस फैब्रिक को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से मॉड्यूलेट करोगे, डिज़ाइन करोगे, वो सब हम किस में सीखते हैं, वी ऑल लर्न दैट इन द अपैरल डिज़ाइनिंग एंड दैट इज मेजरली फ्रॉम द क्लोथिंग सेक्शन. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. ओके.
अब इसके अंदर सबसे पहला है आपका एलिमेंट्स ऑफ गारमेंट मेकिंग, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ गारमेंट मेकिंग के अंदर क्या है, क्योंकि सिंस अपैरल जो है आपका मेजरली किससे डील करता है, आपके गारमेंट मेकिंग से, ठीक है। सो इट वी कैन सिंपली से अपैरल साइंस इज बेसिकली व्हाट, कन्वर्टिंग फैब्रिक्स इनटू स्टिच्ड गारमेंट, ठीक है। आपके पास जो फैब्रिक अवेलेबल है उसको किस तरीके से आप एक स्टिच्ड गारमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हो, वो सारी चीज़ें आप देखते हो, किसके अंदर सीखते हो, पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, किसके अंदर, वी हैव अ थिंग कॉल्ड अपैरल साइंसेस, ठीक है। एंड इसके अंदर वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं आपके गारमेंट मेकिंग के अंदर, जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आई विल बी लाइक मेकिंग यू फेमिलियर विद ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सबको मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडिविजुअली, एंड एग्जामिनेशन में भी वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स आता है, क्योंकि सिंस वो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं आपके अपैरल के अंदर, उन वो नहीं होंगी तो आप अपैरल के ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है ऑल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हेलो दीप, हाय हाय वंदना, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ गारमेंट मेकिंग इज एन इंट्रोडक्शन टू द बेसिक स्किल ऑफ सूइंग, विच इज एसेंशियल टू कन्वर्ट द डिजाइन ऑन पेपर इंटू अ गारमेंट, ठीक है। ओके, सो वी सबसे पहली चीज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपैरल के अंदर, दैट इज योर एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पास, जिससे आप क्या एक फैब्रिक को एक गारमेंट का फीचर दे सको, ठीक है। तो इट सिंपली डज व्हाट, जो आपका 2D पेपर पे एक डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है, ठीक है, आपका जो 2D डिज़ाइन है दैट इज़ बेसिकली ऑन द पेपर, आप उसको कैसे 3D फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, जब आपके पास सारे एलिमेंट्स होंगे किसके, गारमेंट मेकिंग के, ठीक है। उन सारे एलिमेंट्स को ही यूटिलाइज करते हुए आप एक गारमेंट बना सकते हो, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ गारमेंट मेकिंग, और वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है आपका गारमेंट मेकिंग का, दैट इज नथिंग बट योर सूइंग, ठीक है। सिलना जो हम कहते हैं, फैब्रिक को आप लेते हो, उसका डिज़ाइन ना के कट करते हो, उसके बाद आप स्टिच करते हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी सूइंग, ठीक है। तो सूइंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, गारमेंट मेकिंग का। तो अगर हम सूइंग देखें, सो व्हाट डज इट मीन, सूइंग होता क्या है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज क्राफ्ट ऑफ अटैचिंग और फास्टनिंग फैब्रिक्स और अदर मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड थ्रेड, ठीक है। तो स्विंग को अगर आम भाषा में बोला जाएगा तो सिलना बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट पीसेस या फिर डिफरेंट मटेरियल को आपस में स्टिच करते हैं या फिर जोड़ते हैं, किसकी हेल्प से, सुई और धागा, ठीक है। मतलब जो आपके पास नीडल है और थ्रेड है, उन दोनों की हेल्प से आप पूरा एक फैब्रिक को एक गारमेंट का रूप दे सकते हो, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। अब इसके लिए, अब आप यू विल नॉट बी वर्किंग विद द हैंड, ठीक है, जो आपका हैंड स्टिचिंग होता है उसके ऊपर तो आप पूरा वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपैरल इंडस्ट्री है आपकी, इट इज़ अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री, बहुत ही मेजर इंडस्ट्री है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी रैपिडली होती है। तो उस केस में वी हैव अ मशीन्स, ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारी मशीन्स होती हैं जो ये सारा काम करती है, मैनुअली नहीं किया जाता, ठीक है। सो हाउ डज इट वर्क, इट इज़ वर्किंग ऑन द मशीन ओनली। तो सबसे पहली चीज़ और बेसिक चीज़ जो अपैरल के अंदर आपको जाननी है, वो है आपका सुइंग मशीन। सुइंग मशीन क्या है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, वही सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर बेसिक स्विंग मशीन लुक्स लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बेसिक जो स्विंग मशीन है दिखाई देती है, ठीक है। और जो भी आपकी मेजर बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, उसके भी क्या है, जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर बेस्ड होता है, जिस प्रिंसिपल पे आपका नॉर्मल स्विंग मशीन काम करता है, ठीक है। तो अगर आप इस स्विंग मशीन में देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक इसमें कई सारी चीज़ें लेबल्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, कौन से पार्ट का फंक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। लाइक इफ यू सी दिस पिक्चर, इसी पिक्चर को देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कितने सारे पार्ट्स हैं इसके, राइट। और इन्हीं पार्ट को देखते हुए क्या है, आपका क्वेश्चन आ जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो काफ़ी सारे पार्ट्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक आपका दिस फीड डॉग क्या है, ठीक है, एंड थ्रेड कैसे डाला जाता है, अपर थ्रेड, अंडर थ्रेड, ये सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे,
ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ में जो आपको जानने की नीड है, दैट इज़ योर टू थिंग्स। अगर आप इस स्विंग मशीन को देखोगे तो स्विंग मशीन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ऊपर वाला हिस्सा है, एक आपका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो आपको जो ये प्लेट दिख रही है, इसके जो नीचे वाला एरिया होता है, दैट इज़ योर बेड एरिया, उसको हम बेड एरिया बोलते हैं। और जो ऊपर वाला एरिया है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अबव वन, और एक नीचे है, ठीक है। तो नीचे, हाँ हाँ वंदना, या आई नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यू हैव दिस, ये आपको बेड एरिया कहलाता है, ठीक है। ऊपर आपका एक आर्म एरिया है, और इसको पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे आपका ऊपर वाले को हेड एरिया, ठीक है। तो ऊपर वाला हेड, नीचे वाला बेड, बेड के अंदर कुछ और मशीनरी होगी, और आपका जो ऊपर एरिया है दैट इज़ बेसिकली हेड, हेड के अंदर अलग मशीनरी होती है, कॉम्पोनेंट्स अलग होते हैं, फंक्शंस अलग होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या क्या है, विल सी देम वन बाय वन। तो सबसे पहला विल डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स। सारे पार्ट्स को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसकी फंक्शनिंग को समझना चाहते हो तो पहले आपको समझना होगा उसके क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या काम वो करता है। उसी के बाद आपको समझ आएगा कि हाउ डज द स्विंग मशीन वर्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्म। सो आर्म किसे बोला जाता है, द हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट ऑफ द हेड विच हैज द मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग अपर थ्रेड एंड ड्राइविंग द नीडल, ठीक है। तो जो आपका आर्म एरिया है वो क्या है आपका, इट इज द हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट, ठीक है। आपकी मशीन के ऊपर का जो एक हॉरिजॉन्टल हिस्सा होता हैड एरिया में, कौन से एरिया में, हेड एरिया में। जैसे मैंने आपको बताया मशीन के दो एरिया हैं, एक आपका हेड एरिया है और नीचे वाला आपका बेड एरिया है। तो हेड में जो आपका हॉरिजॉन्टल हिस्सा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप क्या बोलते हो, आर्म, ठीक है। इसी को बोला जाता है आपका आर्म एरिया। और ये आर्म एरिया किसको कंट्रोल करता है, आपका अपर थ्रेड को, कि किस तरीके से आपका अपर थ्रेड जा रहा है और किस तरीके से आपके नीडल के अंदर फीड किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज योर व्हाट, आर्म। नेक्स्ट आता है आपका बेड एरिया। व्हाट इज बेड, द लोअर पोर्शन ऑफ द मशीन दैट इज स्टैंड अंडर विच द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग लोअर थ्रेड इंक्लूडिंग द शटल एंड द फीड आर माउंटेड, ठीक है। फिर आता है आपका बेड। बेड कौन सा होता है आपका, नीचे वाला हिस्सा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, दिस इज योर बेड एरिया। ये बेड एरिया किसको कंट्रोल करता है, आपके अंडर थ्रेड। लाइक अगर आपने कभी मशीन देखी है तो धागा दो जगह से जाता है, ठीक है, एक तो ऊपर से जाता है और एक नीचे से जाता है। तो नीचे वाला जो थ्रेड है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड अंडर योर बेड, ठीक है। बेड के नीचे जो मशीनरी जिसके अंदर धागा आपका फिट किया जाता है वो नीचे आएगा, ठीक है। सो दैट इज योर बेड। फिर है आपका बॉबिन। बॉबिन क्या है, इट इज़ अ स्मॉल मेटल स्पूल दैट होल्ड्स द लोअर थ्रेड सप्लाई, ठीक है। बॉबिन किसे कहते हैं, बॉबिन एक ऐसा हिस्सा है जो आपके नीचे से जो धागा आ रहा है ऊपर को, उसको होल्ड करके रखता है। तो दैट थिंग इज नोन एज योर बॉबिन। तो बॉबिन आपका क्या है, छोटा सा मेटल स्पूल होता है जो लोअर थ्रेड सप्लाई को क्या करता रहता है, कंट्रोल करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं आपका बॉबिन, ठीक है। लाइक यू मस्ट हैव सीन बॉबिन, सी लाइक इस तरीके से दिखता है ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस पर्टिकुलर वन, तो ये बॉबिन है। इस बॉबिन पे आपका धागा लपेटा जाता है पहले, ठीक है। इस बॉबिन के ऊपर आप क्या थ्रेड को लपेटोगे और फिर इसको नीचे फिट किया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम बॉबिन। और ये बॉबिन जब इसके अंदर फिट कर देंगे तो फिर ये बॉबिन किसके अंदर चला जाता है, आपके बेड एरिया के अंदर, जो आपका नीचे मशीन का एरिया उसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज योर बॉबिन वन, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, समझ आ गया बॉबिन। फिर आता है आपका बॉबिन केस। अब बॉबिन केस क्या है, बॉबिन आपको समझ आ गया बॉबिन क्या है, बॉबिन आपका एक छोटा सा मेटल का स्पूल होता है जिसमें धागा लपेट के हम नीचे डालते हैं, ठीक है। अब उस थ्रेड को होल्ड कौन करेगा, आपके पास एक मेटालिक केस होता है, मतलब होल्डर होता है जिसके अंदर वो बॉबिन जाता है, जिसके अंदर वो बॉबिन फिट होता है, उसको बोलते हैं हम बॉबिन केस, ठीक है। सो वी हैव अ बॉबिन केस। तो बॉबिन केस क्या है, द मेटल केस दैट होल्ड्स द बॉबिन, वो केस जो आपके बॉबिन को होल्ड करेगा। इट हैज टेंशन स्प्रिंग्स दैट कंट्रोल द प्रेशर ऑन द बॉबिन थ्रेड। इसके अंदर क्या है, आपके पास स्प्रिंग लगी होती है जो ओवरऑल प्रेशर को कंट्रोल करता है, किसके अंदर, आपके बॉबिन के थ्रेड के ऊपर, कि किस तरीके से आपका बॉबिन थ्रेड जा रहा है, ठीक है। तो लाइक अगर आपको देखना है बॉबिन केस कैसा दिखता है तो इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बॉबिन, ठीक है। और इस बॉबिन को कौन होल्ड करेगा, आपका ये बॉबिन केस। तो इस बॉबिन को फिट किया जाता है इसमें,
ठीक है। और जब ये देखो इस तरीके से लाइक इसमें दिखाया रहा है आपको, ठीक है। तो आपने पहले ये फिल किया, ठीक है, इसको फिल कर लिया, इसके अंदर डाला, इस तरीके से डालते हो आप, और जब भी फिट हो जाता है तो उसका थ्रेड यहाँ से फिर ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग दैट गोज ओवर देयर, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है आपका बॉबिन का फिलिंग एंड होल्डिंग। तो बॉबिन किस में गया आपका, बॉबिन केस के अंदर, ठीक है। सो उसको ये बोलते हैं बॉबिन केस। फिर आपके पास है बॉबिन वाइंडर। अब बॉबिन वाइंडर क्या हुआ, बॉबिन वाइंडर का मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन, ठीक है। एक मशीन का छोटा सा हिस्सा होता है जो बॉबिन को थ्रेड फिल करने में हेल्प करता है, ठीक है। आप मैनुअली तो हमेशा थ्रेड नहीं फिल करोगे, ठीक है। आपको क्या है, किसी एक पर्टिकुलर मशीनरी की नीड होती है जो आपको धागा भरने में उसमें मदद करता है, ठीक है। तो लाइक अगर आपने कभी ऑपरेट करी है स्विंग मशीन तो यू वुड नो कि उसमें क्या किया जाता है। आपका बॉबिन वाइंडर लगा होता है मशीन के ऊपर लाइक हेयर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना पर्टिकुलरली, ये जिसमें आपको स्क्रू टाइप लिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली वो इसके ऊपर, ये आपका क्या है, बॉबिन वाइंडर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या है, धागे को भरते हैं बॉबिन में, ओके। और वो बहुत फास्ट भर देता है आपका थ्रेड, इंस्टेड ऑफ मैनुअली जब अपने हाथ से भरोगे उससे ज़्यादा काफ़ी फास्ट होता है। एंड इसी की मदद से आपका क्या है, बॉबिन फिल हो जाता है विद द थ्रेड, ठीक है। देन यू हैव अ फीड डॉग। फीड डॉग क्या आपका, इट इज अ स्मॉल मेटल डिवाइस अंडर द प्रेशर फुट दैट हैज टीथ विच कैरीज द मटीरियल अलॉन्ग इट इज स्टिच्ड, ओके। नाउ फीड डॉग क्या है, फीड डॉग आपका एक क्या होता है, मेटल डिवाइस होता है किसके नीचे, प्रेशर फुट के नीचे, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो एरिया देख रहे हो ना, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये आपका क्या है, प्रेशर फुट है, ठीक है। इसके नीचे आपको ये छोटा सा एरिया दिखेगा ना, दिस इज योर व्हाट, फीड डॉग। अगर आप कभी भी फीड डॉग देखोगे तो उसके क्या है, सेरेटेड एजेस होते हैं, नुकीले एज होते हैं। तो उसको हम फीड डॉग क्यों बोलते हैं, फीड डॉग का बेसिक रीजन क्या है कि जब आपका ये क्या कहते हैं, जब आप स्टिचिंग कर रहे हो तो स्टिचिंग के दौरान क्या है, फैब्रिक खुद ब खुद आगे मूव होता है। होता है क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम कौन हेल्प करता है वहाँ पे, देर इज योर फीड डॉग, ठीक है। तो फीड डॉग इज द वन दैट इज वर्किंग ओवर देयर, ठीक है, ओके। आए पढ़ना, ठीक है गाइस। सो दैट इज अ थिंग। तो फीड डॉग क्या आपका एक छोटा सा मेटल डिवाइस है जिसके क्या होते हैं, टीथ होते हैं नुकीले नुकीले, ओके। एंड इट कैरीज द मटेरियल अलॉन्ग इट इज स्टिच। तो जैसे जैसे स्टिच होगा वैसे वैसे आपका मटेरियल आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, ओके। सो दैट इज द, हाँ, जिगजैग होगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, फीड डॉग। एंड ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा मशीन का पार्ट होता है जिसके सेरेटेड एजेस होते हैं या फिर टीथ होते हैं या फिर नुकीले पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीड डॉग। क्या काम है फीड डॉग का, बेसिकली आपके फैब्रिक को आगे मूव करने का, जैसे जैसे आप क्या करोगे, स्टिचिंग करते रहते हो, ठीक है, ओके। सो इट विल मूव द फैब्रिक फॉरवर्ड, ठीक है। आपके फैब्रिक को क्या है, फॉरवर्ड मूव करवाता है बाय वन स्टिच लेंथ आफ्टर ईच स्टिच हैज बीन ड्रॉन। तो जैसे आपका स्टिच लगेगा, विद एवरी स्टिच आपका फैब्रिक आगे मूव होगा, ठीक है, ओके। सो दैट इज नोन एज योर फीड डॉग। फिर आता है आपका हैंड व्हील। हैंड व्हील को हम फ्लाई व्हील भी बोलते हैं। कैसा दिखता है, गोल गोल जो साइड में लगा होता है जो घूमता है उसी को क्या कहा जाता है आपका, हैंड व्हील। सो हैंड व्हील इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मशीन। कहाँ है आपका, राइट हैंड साइड पे होता है मशीन के, ठीक है। इट इज ड्रिवन बाय हैंड और द बेल्ट इन द डोमेस्टिक मशीन एंड विद द हेल्प ऑफ बेल्ट इन द इंडस्ट्रियल मशीन, ठीक है। तो लाइक आपने देखा होगा हाथ वाली मशीन, आपने काफ़ी बार जो डोमेस्टिकली घरों में यूज़ की जाती है, दैट इज़ डन बाय योर हैंड ऑल्सो, राइट। हाथों से भी करते हैं, ऑल्सो मशीन से भी होती है, आपके फुट से जो कंट्रोल होता है बेल्ट वो भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हैंड व्हील क्या, बेसिकली हैंड व्हील करता क्या, अगर आपने देखा है जैसे आपको व्हील मूव होता है तो नीडल अप डाउन मूव करती है ना। तो बेसिकली अगर रहा है हैंड व्हील, हैंड व्हील कंट्रोल कर रहा है आपके किसकी मूवमेंट को, इट इज कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ योर नीडल बार, ठीक है। आपका जो नीडल बार है, जो नीडल को होल्ड करता है, उसको अप डाउन कौन मूव करता है, आपका हैंड व्हील ही करता है। एंड उसकी वजह से आपको क्या है, एक प्रॉपर स्टिच मिलता है आपके फैब्रिक के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो फैब्रिक के पीसेज हैं वो टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। तो हैंड व्हील अगर आपको देखना है, सो लाइक यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन, तो इसको बोलते हैं हैंड व्हील, ठीक है। तो ये आपका हैंड व्हील है, ठीक है। प्रियदर्शनी, आप मुझे स्पेशल पे फॉलो कर सकते हो।
हाँ रानी, जो नुकीला सा होता है ना, हाँ उसको ही हम फीड डॉग बोलते हैं। आपके बिल्कुल उसके नीचे होगा, दिस प्रेशर फूड के नीचे, ठीक है। ओके सो दैट इज योर हैंड व्हील, समझ आ गया ना। हैंड व्हील बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ हेड। हेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन द बिगिनिंग ओनली, जो मशीन का बेड के ऊपर वाला हिस्सा होता है पूरा, उसी को हम क्या बोल देंगे, आपका हेड पार्ट, ठीक है। तो मशीन की जो ऊपर वाली मशीनरी है वो पूरी क्या कहलाती है, आपकी हेड कहलाती है, ठीक है ना। नाउ द अपर पार्ट ऑफ द मशीन अबव द स्टैंड, इट इज़ कम्प्लीटली स्विंग मशीन विदाउट द बेड, ठीक है। तो बेड के ऊपर का जितना भी हिस्सा है उस सबको मिला के क्या बोला जाएगा, आपका हेड, ठीक है। ओके प्रियदर्शनी, नाउ नेक्स्ट यू हैव प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या है, इट इज़ अ फुट विच इज़ यूज टू होल्ड द फैब्रिक वाइल स्टिचिंग, ठीक है। लाइक यू हैव सीन, जब स्टिच करते हैं आप कपड़ा डालते हो, फिर ऊपर से आप उसको प्रेशर फुट को नीचे दबाते हो, राइट। तो प्रेशर फुट क्या करता है, आपके कपड़े को होल्ड करता है, ताकि जब जब आप स्टिच करो आपका एक नॉर्मल एक गुड स्टिच आपके फैब्रिक के ऊपर आए, ठीक है। सो दैट इज योर दिस प्रेशर फुट। किस तरीके का होता है, एक बोट लाइक शेप का होता है आपका प्रेशर फुट। किसके ऊपर देखा जाता है जनरली, जस्ट अबव योर दिस फीड डॉग, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना निडल बार के नीचे, यहाँ पे जो एरिया होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, दिस वन पर्टिकुलरली, दिस इज योर प्रेशर फुट, ठीक है। सो उसी को क्या बोला जाएगा, आपका प्रेशर फुट बोला जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज डिटैचेबल, ये डिटैचेबल है, आप इसको डिटैच भी कर सकते हो, और आपको कई सारी तरह के प्रेशर फुट आपको मिलते हैं, लाइक जिपर फुट, प्लास्टिक फुट, इस तरीके का आपको मिल सकता है, ठीक है। ओके समझ आ गया प्रेशर फुट, शैल आई मूव फर्दर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका प्रेशर फुट लिफ्टर। प्रेशर फुट लिफ्टर क्या होगा, प्रेशर फुट लिफ्टर का मतलब जो प्रेशर फुट को अप डाउन करेगा उसी को प्रेशर फुट लिफ्टर बोलेंगे। तो आपके पास प्रेशर फुट है जो आपका होल्ड करता है फैब्रिक। अब हमेशा थोड़ी ना होल्ड करके रखेंगे फैब्रिक को, जब स्टिच हो गया है तो उसे निकालोगे भी तो आप बाहर, तो उसके लिए आपके पास एक रेगुलेटर होता है जो प्रेशर फुट को अप डाउन मूव करने में हेल्प करता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेशर फुट लिफ्टर। हाँ रानी, हाँ या हेड वाला पूरा ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा, ठीक है, और जो आपका नीचे वाला है दैट इज योर बेड एरिया, ठीक है। हाँ जो ऊपर वाला एरिया है उसको आप पूरे को हेड बोलोगे, और जो नीचे वाला है उसको पूरे को आप बेड बोलोगे, ठीक है। तो मेजरली जो आपकी मशीनरी होती है वो आपके हेड एरिया में ही लोकेटेड होगी, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो आपका मशीन पार्ट है वो आपका हेड एरिया में होता है, बहुत ही काम आपके बेड एरिया में पाया जाएगा, ठीक है रानी। हाँ दैट इज़ अ थिंग। चलो तो अब प्रेशर लिफ्टर आ गया, प्रेशर फुट लिफ्टर। तो एक लीवर अटैच टू द प्रेशर फुट बार टू लिफ्ट अप एंड डाउन द प्रेशर फुट। तो प्रेशर फुट को जो ऊपर नीचे करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर फुट लिफ्टर, ठीक है। ओके सो दैट इज नोन एज योर प्रेशर फुट लिफ्टर। फिर आया आपका शटल। नाउ व्हाट इज शटल, शटल क्या है आपका, इट इज अ डिवाइस दैट कैरीज द नीडल थ्रेड अराउंड द बॉबिन एंड फॉर्म्स द लॉक ऑन द लॉक स्टिच। या नाउ अब शटल है क्या आपका, शटल एक डिवाइस है आपका जो आपका जो ऊपर से नीडल नीचे जाती है, ठीक है, फिर वहां से क्या है नीडल की जो थ्रेड है उसको किसके अराउंड ले जाती है, आपके बॉबिन के, और फिर वो दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, एंड उसके बाद क्या बनता है आपका लॉक स्टिच, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आपको देखेगा शटल, ठीक है, ये रहा, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, दिस वन, दिस इज नोन एज योर शटल। तो जब आपने बॉबिन भर लिया, ठीक है, यहाँ से आपने बॉबिन को फिल किया था, फिर ये बॉबिन इस तरीके से, ठीक है, इसी पोजीशन में आप इसके अंदर फिट करते हो, ठीक है, इसके अंदर आप फिट करोगे। जब आप इसके अंदर फिट करोगे इस शटल को, तो इसके अंदर क्या है, थ्रेड है, ठीक है। तो नीचे से कौन सी थ्रेड आएगी आपकी, आपके मशीन बेड के नीचे से जो थ्रेड आ रहा है, शटल थ्रेड, ठीक है, बॉबिन थ्रेड बोल सकते हो आप उसे। और जो ऊपर से थ्रेड आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, निडल थ्रेड, ठीक है। प्रेशर फुट दोबारा बता दो, अरे ठीक है अभी बता रही दी, ठीक है। तो नीचे से जो आ रहा है वो क्या आपका बॉबिन थ्रेड, ऊपर से जो आ रहा है वो आपका क्या है, निडल थ्रेड, ठीक है। तो जब ये दोनों थ्रेड आपस में मिलते हैं, लाइक वो एक ऊपर से आएगा, ठीक है, एक आपका ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, तो ये दोनों दोनों जब आपस में मिलेंगे उसी के बाद क्या होगा, इसके ऊपर एक स्टिच बनता है, लॉक स्टिच, जिसके बाद ही आपका एक स्टिच लॉक हो जाता है एंड आपका फैब्रिक फिर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये शटल ही आपको हेल्प करेगा उस पूरे ओवरऑल लॉकिंग में, ठीक है।
तो स्टिच को थ्रेड को आपस में लॉक करने में कौन हेल्प करता है आपको? शटल। ओके, सो दैट इज योर शटल। और शटल कहाँ है आपकी? इट इज अंडर योर दिस बेड, ठीक है, मशीन के बेड के अंदर है जहाँ पे बॉबिन को फिट किया जाता है, ठीक है। तो इस शटल को आप और क्या बोल सकते हो? ऑसिलेटिंग हुक जो होता है उसको भी आप क्या है? शटल बोल सकते हो। तो ऑसिलेटिंग हुक इज द वन जो आपके एक्चुअल स्टिच को फॉर्म करने में मदद करता है, या फिर आपका शटल भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा प्रेशर वुड समझ नहीं आया। देखो देख, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ये जो एरिया है इसको इस तरीके से दिखता है आपका प्रेशर फुट, ठीक है। ये जो एरिया है इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर फुट बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से नजर आता है ये प्रेशर फुट। क्या करता है? इसके नीचे कपड़ा रहता है आपको, जिसको आपको स्टिच करना है। तो प्रेशर फुट का क्या काम है आपका? बेसिकली आपके फैब्रिक को होल्ड करने का, ठीक है। जब जब आपका फैब्रिक क्या है? स्टिच हो रहा है, ठीक है। तो जब आप फैब्रिक को स्टिच कर रहे हो, स्टिच करने के दौरान आपके फैब्रिक को होल्ड करने का जो काम करता है वो है आपका प्रेशर फुट, ठीक है। और प्रेशर फुट कई सारे प्रकार का होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा। आप उसको डिटैच मतलब निकाल के दूसरे टाइप का प्रेशर फुट भी लगा सकते हो, जिस तरह का आपको अपने फैब्रिक के ऊपर क्या चाहिए? स्टिच चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ओके दीप, समझ आ गया प्रेशर फुट के बारे में। तो प्रेशर फुट बेसिकली क्या आपका एक टूल है, ओके। इट इज़ अ फुट जो आपके फैब्रिक को होल्ड करेगा वाइल योर स्टिचिंग, सिलाई के दौरान। सिलाई के दौरान जो आपके फैब्रिक को होल्ड करके रखता है वो आपका प्रेशर फुट कहलाता है, ठीक है। फिर हो गया आपका शटल। शटल के बाद आता है आपका टेंशन रेगुलेटर। अब टेंशन रेगुलेटर का मतलब क्या है? अब यहाँ पे जो वर्ड टेंशन है, टेंशन का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है? प्रेशर, ठीक है। किसके ऊपर प्रेशर? आपके धागे के ऊपर। जब मशीन स्टिच करती है तो थ्रेड ना ही टाइट होना चाहिए ना ही ढीला, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो स्टिचिंग के दौरान क्या आपका थ्रेड टूट सकता है, ठीक है। और अगर बहुत लूज हो जाएगा तो फिर उससे क्या आपका जो स्टिच है वो बहुत ही खराब, अनइवन, बेकार बन के आएगा आपके फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है? डिफरेंट टूल है आपकी मशीन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं टेंशन रेगुलेटर। ये टेंशन रेगुलेटर बेसिकली क्या करता है? आपके थ्रेड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको कंट्रोल करेगा, ओके। तो जो थ्रेड है आपका उसके ऊपर क्या प्रेशर लग रहा है वो आप किससे चेक कर सकते हो? अपने टेंशन रेगुलेटर से, ठीक है। सो इट इज द मैकेनिज्म विच कंट्रोल्स द टेंशन ऑफ अपर थ्रेड, ठीक है। आपका जो ऊपर से धागा आ रहा है, ठीक है, ऊपर से जो धागा आ रहा है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको कंट्रोल करता है। एंड इसको कंट्रोल करने से आपकी जो सिलाई पड़ रही है कपड़े के ऊपर उसकी क्या क्वालिटी रहेगी वो कौन देखेगा? टेंशन रेगुलेटर। क्योंकि अगर आपने कभी खुद से स्टिचिंग करी हो या फिर कभी आपने देखा हो कपड़े के ऊपर, तो यू वुड सी कभी कभी स्टिच क्या होते हैं? बहुत ही लूज होते हैं, मीन्स आपका कपड़ा एकदम से खुल जाएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी फैब्रिक के अंदर इतना टाइट होता है स्टिच। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द थ्रेड, ठीक है। आपके थ्रेड में अलग अलग प्रेशर पड़ रहा है, इसी वजह से आपके स्टिच की क्वालिटी क्या हो रही है? खराब, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास टेंशन रेगुलेटर है कि आपको किस तरीके का प्रेशर रखना है अपने धागे के अंदर, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू, ठीक है। तो ये जो टूल है आपके मशीन में लगा होता है ये आपको हेल्प करेगा अपने प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। किसको क्या किस पे लग रहा है प्रेशर? जो ऊपर से थ्रेड आ रहा है, ठीक है। सो द टेंशन ऑफ द थ्रेड इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड नट विच कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या आपका स्प्रिंग लगा होता है, नट लगा होता है। तो जब जब आप उसको यू नो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो टाइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस क्लॉक, तो वो लूज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ अभी दिखाती हूँ मैं, इस तरीके से आपके अपना, हाँ लेफ्ट में होता है, ठीक है। ये रहा, ये आपका टेंशन रेगुलेटर है। देखो ये आपका नेट है, इसके नीचे स्प्रिंग लगी होती है, यही आपका कंट्रोल करता रहता है आपके पूरे इसको प्रेशर को, ठीक है। हाँ रानी, लेफ्ट में होता है आपका, ठीक है, टेंशन रेगुलेटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंशन रेगुलेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टिच की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है? आपके कि थ्रेड में कितना टेंशन पड़ रहा है, ऊपर से जो थ्रेड आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। क्योंकि जितना नॉर्मल प्रेशर लगेगा उतना अच्छा आपका स्टिच बनेगा, ठीक है। फिर आगे आपकी
थ्रेड स्टैंड या फिर स्पूल पिन भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थ्रेड स्टैंड या फिर आप इसको स्पूल पिन बोल सकते हो। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपली जिसमें आप धागा डालते हो, ठीक है। ऊपर जो आपका स्टैंड होता है जिसमें आपका अपर थ्रेड डलता है, मीन्स धागा को होल्ड करता है, लेगी ये धागे का रील है ना, इस रील को आप इस डंडी में डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पूल पिन। तो ये जो पिन नजर आ रही है ना आपको, दिस पिन इज बेसिकली ओ स्पूल पिन, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पूल पिन बोल देंगे, जिस जो आपका थ्रेड पैकेज को होल्ड करता है, ठीक है। तो आपके थ्रेड को जो होल्ड कर रहा है अपर थ्रेड को, दैट इज योर स्पूल पिन, ठीक है। ओके, तो दैट इज अ थिंग। नेक्स्ट है आपका थ्रेड टेकअप लीवर, ठीक है। अब थ्रेड टेकअप लीवर इज अगेन इंपॉर्टेंट। इट इज अ बार या फिर लीवर विच इज लोकेटेड अबव द टेंशन रेगुलेटर, ठीक है। अब थ्रेड टेकअप लीवर क्या है आपका? इट इज अ लीवर जो आपके थ्रेड को लेता है जस्ट किसके बाद, आपके टेंशन रेगुलेटर के बाद। टेंशन रेगुलेटर के बाद क्या लगा होता है आपका? थ्रेड टेकअप लीवर, ठीक है। और यही लीवर आपका क्या है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करता है, ठीक है। जब जब आपका स्टिच पड़ेगा उसी दौरान आपका ये ऊपर नीचे क्या है, मूव करता है, ओके। सो इट मूव्स अप एंड डाउन, इट हैज़ अ होल थ्रू विच द थ्रेड पासिस, ठीक है। इसके ऊपर एक थ्रेड होता है जिसके थ्रू आपका थ्रेड पास करेगा, एंड इट फीड्स द थ्रेड टू द नीडल एंड इट ऑल्सो टाइटन्स लूप फॉर्म द एंड लॉक्स इट, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रेड टेकअप लीवर, ये रहा दिस एरिया पर्टिकुलरली, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका थ्रेड टेकअप लीवर है, ठीक है। अब ये जैसे ही आपका यहाँ से टेंशन रेगुलेटर से निकला धागा, ठीक है, ये स्लैक यहाँ से एंड इट विल गो इन टू द थ्रेड टेकअप लीवर, ठीक है। और ये थ्रेड टेकअप लीवर आपका कंट्रोल करेगा इस थ्रेड को जो ऊपर नीचे मूव करता है कि कितना धागा आपके नीडल के अंदर जाता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो थ्रेड टेकअप लीवर ही है जो आपका कंट्रोल करता है कि कितना धागा नीडल के अंदर जाएगा एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है। और ऑल्सो जब आपका लूप बनता है स्टिचिंग के दौरान, उसको भी कौन कंट्रोल करता है आपका? थ्रेड टेकअप लीवर, ठीक है ना। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखो थ्रोट प्लेट कहाँ है यहाँ पे? ये रही, ये आपको सेमी सर्कुलर एरिया दिख रहा है, दिस सेमी सर्कुलर एरिया, ठीक है। ये सेमी सर्कल जो है ना बेड के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं थ्रोट प्लेट। और इसका काम क्या है? एक स्मूथ सरफेस देना, आपका जो कपड़ा लगा हुआ है जो स्टिच हो रहा है उसको एक स्मूथ सरफेस देना ताकि वो नॉर्मली कंटिन्यूसली मूव करता रहे अच्छे तरीके से, उसको ही हम बोलते हैं थ्रोट प्लेट, ठीक है। सो दैट इज नोन एज योर थ्रोट प्लेट, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें आपकी क्या है, मशीन के पार्ट्स हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, समझ आ गया। तो यही सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब आप अपर थ्रेडिंग अंडर थ्रेडिंग ये सब पढ़ोगे ना, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। और इसमें से वन वर्ड क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, तो यू शुड नो थ्रोट प्लेट क्या है, टेंशन रेगुलेटर का क्या काम है, थ्रेड टेकअप लीवर क्या है, फीड डॉग क्या होता है, एंड प्रेशर फुट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो इट हैज़ अ नीडल बार, और ये जो आपको डंडी दिख रही है ना जिसमें नीडल फिट होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, नीडल बार। ठीक है, सो बिकॉज अब जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली, ठीक है, इसी के ऊपर बेस होगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, सो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू टुमारो अगेन विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम अपैरल ओनली, ठीक है। तो हम कल भी डिस्कस करेंगे आपका अपैरल। सो थैंक यू सो मच एंड डू फॉलो मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी, एंड यू कैन एनरोल इन द क्लास, क्योंकि बाद में प्राइस हाइक हो जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए यू शुड एनरोल इट नाउ, ओके। हेलो लीशा, गुड इवनिंग, ओके गाइस, सो दैट इज इट, आई होप क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया सबको स्विंग मशीन, क्योंकि दैट उसी के बेसिस पे हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जितने भी पार्ट्स मैंने पढ़ाए हैं गो थ्रू इट वेरी नाइसली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सो यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड आई सी यू टुमारो अगेन विद अ न्यू सेशन ऑन द अपैरल ओनली, ओके। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, ओके रानी, ओके प्रिया, ठीक है अमिता।
बाय 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 गाइस.